हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे Z5 ओरिजिनल और अल्ट बालाजी की वेब सीरीज बिच्छू का खेल को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि इस वेब सीरीज को देखते वक्त जितना कम हो सके उतना कम दिमाग लगाना, और ये वेब सीरीज कम्प्लीटली 18 प्लस है, क्योंकि इस वेब सीरीज में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ। तो चलो सीरीज पर आते हैं। तो बिच्छू का खेल, ये वेब सीरीज कल ही Z5 ओरिजिनल और अल्ट बालाजी पे रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है और हर एपिसोड 20 से 25 मिनट के आसपास का है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी अखिल श्रीवास्तव की, जो कि एक दिन पब्लिक के सामने स्टेज पर वाराणसी के एक बहुत बड़े वकील को मार देता है और फिर खुद जाके पुलिस में सरेंडर भी कर देता है। लेकिन वो ये मर्डर क्यों करता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो ठीक ठाक ही है, मतलब कि इस वेब सीरीज का पेस काफी फास्ट है, जिसके कारण इस सीरीज में हर वक्त कुछ ना कुछ होते रहता है, और ये सब इतना जल्दी जल्दी होता है कि ये सीरीज कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक तो इस वेब सीरीज का पेस काफी फास्ट है और उसके ऊपर से ये वेब सीरीज काफी छोटी है, और इन चीजों के कारण हम इस सीरीज के दौरान बिल्कुल भी बोर नहीं होते। लेकिन इस सीरीज का पेस्ट जितना इसकी स्ट्रेंथ है उतनी ही वीकनेस भी है, यानी ये वेब सीरीज इतनी फास्ट है कि हम इस सीरीज के किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते, और जब तक हम इस सीरीज की सिचुएशन को समझते हैं तब तक इस सीरीज में इतना कुछ हो चुका होता है जिसके कारण इस सीरीज के मेजर ट्विस्ट हम पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, अगर हम अखिल के कैरेक्टर को निकाल दें तो इस सीरीज में किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से लिखा ही नहीं गया, जो कि काफी बुरी बात है। और यहाँ डायलॉग्स की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस सीरीज के डायलॉग्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और पूरी सीरीज में हमें बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रखते हैं। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्ट्रेस का काम अच्छा है, लेकिन इस सीरीज के हाईलाइट तो देवेंद्र शर्मा ही है, उन्होंने अपने कैरेक्टर में जान डाल दी है। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस सीरीज का अच्छा है, लेकिन एडिटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, और ये बात आप सीरीज देख के समझ जाओगे। और जहां तक बात है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक ठीक ठाक वेब सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले ना देखा हो, लेकिन फिर भी ये सीरीज आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये सीरीज आपको देखनी है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आपने ये सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।